केंद्र सरकार बुधवार को राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश कर सकती है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है और सभी सांसदों से 3 दिन तक हाजिर रहने को कहा है। इस तरह बीजेपी के व्हिप से साफ हो जाता है कि अगले 3 दिनों के दौरान कभी भी जीएसटी बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। साथ ही बीजेपी के सहयोगी पार्टियों के सांसदों को भी सूचित किया जा रहा है कि वो जीएसटी बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में उपस्थित रहें। इस बीच सरकार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को मनाने की पूरी कोशिश करेगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जीएसटी पर संवाद की प्रक्रिया आखिरी चरण में पहुंच चुकी है और इस पर लगभग सहमति बन गई है। आपको बता दें कि सरकार ने जीएसटी के मुद्दे पर नर्म रुख अपनाते हुए संविधान संशोधन विधेयक में कुछ बदलावों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही केंद्र ने कांग्रेस की 3 मांगों में से एक को मान लिया है। सरकार ने राज्यों को 1% अतिरिक्त विनिर्माण कर लगाने संबंधी प्रावधान हटा लिया है और जीएसटी लागू होने के पहले 5 साल के दौरान राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी दी जाएगी। जीएसटी बिल सरकार के लिए काफी अहम बिल है, जिसे पास कराने के लिए सरकार पूरी कोशिश में जुटी है, लेकिन जिस तरह से जीएसटी पर विपक्ष भौंहें चढ़ाए हुए है, ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस बार पास हो पाती है या नहीं। देखते रहिए डीबी लाइव।